हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग एरे का रिवर्स करना सीखेंगे। और इसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसको हम कहेंगे टू पॉइंट अप्रोच। और टू पॉइंट अप्रोच बड़ा ही यूजफुल अप्रोच है जिसको हम बार बार यूटिलाइज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटी में। तो आइए सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा एरे है और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया कि हमारे पास एरे में 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमारे पास एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 हैं तो हम क्या करते हैं कि जो एरे का सबसे पहला इंडेक्स है उस पर एक आई पॉइंटर ले लेते हैं और जे ले लेते हैं एट द लास्ट इंडेक्स। अगर हम इसमें इंडेक्सेस मार्क करें, 0, 1, 2, 3, 4 है, हम आई और जे इंडेक्स वाले एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे 5 को लाते हैं और यहाँ पे 1 को लाते हैं, दोनों वैल्यूज को हम स्वैप कर देते हैं या एक्सचेंज कर देते हैं। इसके बाद हम आई को आगे बढ़ा देते हैं और जे को एक स्टेप पीछे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली हमारा आई का लोकेशन था 0 और जे की लोकेशन थी 4। इसके बाद हमने आई को चेंज किया 1 इंडेक्स पे और जे को चेंज किया 3 इंडेक्स पे। किसी भी इंडेक्स पे एक्सचेंज करने से पहले हमें कंडीशन जरूर चेक कर लेनी चाहिए कि क्या आई लेस देन जे है। तो इनिशियली जब हमने आई को 0 और 4 पे इनिशलाइज किया था जे को, तब आई वॉज लेस देन जे। सिमिलरली जब हमने इसको अपडेट कर दिया देन उसके बाद भी 1 इज लेस देन 3, इसका मतलब आई इज लेस देन जे। तो इसलिए हम इस एक्सचेंज को परफॉर्म करेंगे। तो वी हैव 4 हियर एंड 2 हियर। अगेन आप आई को इंक्रीमेंट कर दीजिए, आई रीचेस एट 2। जे को डिक्रीमेंट कर दीजिए, जे रीचेस एट 2 इंडेक्स। एंड इस केस में आई इज नॉट लेस देन जे। इसका मीनिंग क्या है कि अब हम अपने ऑपरेशन को स्टॉप कर सकते हैं। जो आपके पास एरे है उसमें जो एलिमेंट्स हैं दोज आर 5, 4, 3, 2 एंड 1। जो गिवन एरे है वो मेरा रिवर्स हो गया। इस एरे में मेरे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, मतलब 5 एलिमेंट्स थे। कोई इवन नंबर ऑफ एलिमेंट वाला एरे ले लेते हैं और उसके थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इज इट प्रोग्रेसिंग। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा एरे है जिसमें कि 6 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस केस में जो इंडेक्सेस हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहले आपने आई को 0 इंडेक्स पे इनिशलाइज किया, जे को 5 इंडेक्स पे, एंड ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 5, आई इज लेस देन जे। तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर देते हैं, वी हैव 6 हियर एंड वी हैव 1 हियर। इसके बाद हमें आई को इंक्रीमेंट करना है और जे को डिक्रीमेंट करना है। मतलब कि आई हमारा 1 इंडेक्स पे है और जे हमारा 4 इंडेक्स पे है। इन दोनों एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर देते हैं 2 एंड 5 को। सो 5 कम्स हियर एंड 2 कम्स हियर। फिर आई को इंक्रीमेंट करते हैं, आई रीचेज एट 2, जे रीचेज एट 3। फिर इंडेक्स 2 और 3, 2 इज लेस देन 3, इसलिए हमने आई और जो एलिमेंट को एक्सचेंज करना है, 4 और 3 को हमने एक्सचेंज कर दिया। फिर आई को इंक्रीमेंट करना है, आई 2 से 3 इंडेक्स पर पहुंच जाता है। जे को डिक्रीमेंट करना है, जे पहुंच जाता है 3 से 2 इंडेक्स पे। इस केस में आई का इंडेक्स 3 और जे का इंडेक्स 2। अगर हम कंडीशन चेक करें कि क्या आई लेस देन जे है तो ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती है। चूंकि ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती है इसलिए हम अपने ऑपरेशन को यहीं स्टॉप कर सकते हैं और हमारा जो रिजल्टेंट एरे है वो हमारा है 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये मेरा रिवर्स्ड एरे है। तो इसमें हमने बड़ा ही सिंपल सा अप्रोच अप्लाई किया। इसको हम टू पॉइंट अप्रोच करें जहाँ पे आई और जे हमारे या तो साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं या वन बाई वन मूव करेंगे। तो इसमें साइमल्टेनियस मूवमेंट है इसलिए हम इसको टू पॉइंट अप्रोच कर रहे हैं। तो हम अगर एक छोटी सी एल्गोरिथम लिखें, मान लेते हैं कि हमें एक एरे गिवन है ए नाम का जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो हम इनिशलाइज कर सकते हैं। जैसे नेम ऑफ जो एल्गोरिथम है वो रिवर्स है, आई को 0 इंडेक्स पर इनिशलाइज कर दें, जे को n-1 इंडेक्स पर इनिशलाइज कर दें और अपने ऑपरेशन को तब तक हम कैरी आउट करें जब तक कि आई लेस देन जे है। हमें कुछ नहीं करना, हमें एक्सचेंज करना है अपने एरे के एलिमेंट्स को, मतलब कि ए आई एलिमेंट्स को ए जे एलिमेंट के साथ एक्सचेंज कर देना है। दैट्स ऑल, द प्रोसेस कंप्लीट्स। अब आप एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करके चेक कर सकते हैं। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। और सॉरी, इसको सबसे पहले हम इसके लिए कोड छोटा सा लिखते हैं। सो मान लेते हैं कि मेरे पास एक एरे है और उस एरे का नाम ए है, रैंडम साइज का एरे कोई मान लीजिए। इसके बाद फिर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, जे इज इक्वल्स टू n-1 लेंगे। इस केस में हम एक काम करते हैं कि यूजर से ये इनपुट करा लेते हैं कि एरे का साइज क्या है, मतलब कि कितने एलिमेंट्स एरे में होंगे, और इसके बाद फिर
हम यूजर्स ये भी इनपुट करा लेते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, जो एलिमेंट यूजर कहेगा हम उसी को रिवर्स करेंगे, उसी एरे को रिवर्स करेंगे। तो एरे के आई एथ इंडेक्स पे हमने इनपुट करा लिया है कि इसमें डेटा एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए हमें आई और जो आई और जे दो पॉइंटर्स चाहिए, तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि आई इज इक्वल्स टू 0 इंडेक्स एंड जे इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स जो हमारा होगा वो एन माइनस वन होगा। प्रोसेस हमारा तब तक चलेगा जब तक कि आई लेस देन जे है। और इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है या स्वैप करना है एरे के एलिमेंट्स को। मान लेते हैं कि स्वैप फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम ए आई और ए जे एलिमेंट को पास कर देंगे और ये एलिमेंट मेरा एक्सचेंज होना चाहिए। फाइन, इसके बाद हम क्या करेंगे कि आई को एक इंक्रीमेंट कर देंगे और जे को एक डिक्रीमेंट कर देंगे। और इसके बाद हम अरे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करके प्रिंट कर देंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रैवर्स नाम का फंक्शन है जो ट्रैवर्स एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है। तो हमने एरे का बेस एड्रेस और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें पास कर दिया है और ये जो ट्रैवर्स फंक्शन है वो एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करके दिखा देगा। नाउ यहाँ पे हमें स्वैप फंक्शन में एक चीज ध्यान देना है कि अगर हम केवल ए आई और ए जे एलिमेंट को पास करेंगे तो ये स्वैपिंग जो होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी ए आई और ए जे में, इसलिए हमें कॉल बाय रेफरेंस करना होगा। तो हमने यहाँ पे एम परसेंट सिस का एड्रेस पास कर दिया। तो दो फंक्शन हमें बनाने, पहला फंक्शन हमें बनाना है स्वैप फंक्शन। स्वैप फंक्शन में हमें दो वैल्यूज पास हुई हैं, उनके एड्रेसेस पास हुए हैं, इसलिए हम इसको दो पॉइंटर में एक्सेप्ट करा लेते हैं, ए और बी पॉइंटर्स में। एंड देन इसके बाद एक टेम्पररी वेरिएबल दे देते हैं टी। टी इज इक्वल टू स्टार ए, स्टार ए इज इक्वल टू स्टार बी एंड स्टार बी इज इक्वल टू थ्री। तो इस तरह से हमने स्वैपिंग कर ली। स्वैपिंग करने के बाद ट्रैवर्स फंक्शन भी बना लेते हैं। ट्रैवर्स फंक्शन में एक एरे पास हुआ है जिसका साइज एन है और इस एलिमेंट को हमें या इस एरे के एलिमेंट्स को हमें डिस्प्ले करना है। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए सी आउट फंक्शन का यूज करते हैं और यहाँ पे ए आई को डिस्प्ले कर देते हैं एंड देन एक स्पेस लगा देते हैं जिससे कि हम पता कर सके कि सेग्रीगेशन है बिटवीन द एलिमेंट्स। नाउ दोनों फंक्शन हम लोगों ने लिख दिया है, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। हमने एक रैंडम साइज का एरे लिया, फिर एन इनपुट साइज यूजर से ले लिया कि कितने एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। देन इसके बाद हमने एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करा लिया वन बाई वन। फिर दो पॉइंटर्स लिए आई और जे, आई स्टार्टिंग में और जे एंड में। जब तक आई हमारा लेस देन जे है तब तक हमने एरे के एलिमेंट्स को स्वैप किया एंड फाइनली ट्रैवर्स कर दिया। इन दोनों फंक्शंस को एक बार टेस्ट कर चेक कर लेते हैं, इनके रिटर्न टाइप्स मिसिंग है। ये स्वैप करेगा और ये ट्रैवर्स करेगा। फाइन, रन करके देखते हैं इसको। इंटीजर एन हमने डिक्लेयर नहीं किया। फाइन, तो हमसे पूछा जा रहा है कुछ एलिमेंट्स। लेट से हमने सिक्स एलिमेंट्स कहा एंड दोज एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं कि रिवर्स करके जो एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं हमारे वो 6 5 4 3 2 1 है। ये हमने इवन साइज का लिया था, आप ऑड साइज का एरे भी लेके चेक कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास सेवन साइज का एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। आप चेक कर सकते हैं कि एरे के एलिमेंट्स रिवर्स हो गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम अगेन विद द न्यू कॉन्सेप्ट।